फैशन हाँ, मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे मेरा फिगर खराब हो जाएगा भाई अब बच्चियां लड़कियां जो बच्चे भी पैदा करते हुए डरती हैं कि यार वो कहती है मैंने खाना ही बाहर का है। मैं तो घर का नहीं खाते है अब आरका खाओगे अंधे और बहरे ना बनो देखो सब कुछ सुनो भी सब कुछ छोटी छोटी सिंपल से देसी माहौल के बंदे हैं हम हम कोई अमीर लोग नहीं हैं हम सादे से लोग हैं लेकिन सादी लाइफ में आ, इसके लिए भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं हमारी जानी पापड़ समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप दुकान से जाए सादे पापड़ लें घर में आए घी में तले और खा लगे होते हैं पापड़ ए लम्बे हो के ऐ फोन सुन रही है ऐ एक बाजू यहाँ पे है जबान संभाल के बात कर ये भी याद रखना अगर कोई ऐसा टाइम आया ना ये हेटर सपोर्टर सु, सु, ग्रुप भी हम तो लोगों को तुन के रख देंगे अपनी जबान संभाल के रखो और बड़ों पे बात करना बंद कर दो शट अप है। और को हटाएं दूर भगाएं जो रोंग जा रहा है उस पर सवाल लाजमी उठाएं आप लोग उस पर बोले गुंगे बहरे मत बने यार मां बाप सबके साझे हैं सबके सांझे हैं माँ बाप बच्चे भी सबके सांझे हैं खुदा रहा ऐसी नेगेटिविटी से दूर रहे और जो नहीं बाज आ रहा है ना उसको तुन के रखो असल माय जान की एंड मोटीज क्या हो रहा है कैसे यहां सब ठीक है खैरियत से होंगे मजे में होंगे और खुश बाश होंगे तो जी जनाब शुरू करते हैं आज एक स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और एक एक, एक थोड़ी सी सैड सैड न्यूज कहूंगी मैं अः उस पर भी बात करेंगे ठीक है जी और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक तो बनता है और कैसे है आप सब मजे में चो ना गुड मॉर्निंग हो गई या गुड नाइट हो गई चल दो में हो गई हैं तो फिर भी थोड़ा बेस्ट ऑफ लक हो गया अक्सर मेरी अंग्रेजी को लेके ना बहुत कमेंट आते हैं इनकम्प्लीट बोलना था आपने अनकम्प्लीट बोल दिया है ऐसी ऐसी बातें होती रहती कोई बात नहीं आपको पता होना चाहिए आपकी ही गजनी है बातें भूल भाल जाती है ना अच्छा जी <laughs> तो मैं आज करूँगी माँ बाप पे बात जो कि हमारे आ, हमारे लिए सब कुछ आ, हमारे वालदेन होते हैं और कुछ भी हो जाए हमारे इस्लाम में भी है और भी धर्म में होगा ऐसा और कि ये एक ऐसा अनमोल रिश्ता है ना जिसपे जो है आ, हम किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि आप आए और आके बात करें उन पे जिन्होंने हमें पैदा किया खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया शादियाँ की और उसके बाद जो है हाँ हाँ थोड़ी सी किसी बात पे बहन भाइयों की लड़ाई में आप वालदेन को लेके आ जाए जो कि बहुत ही गलत है कल मैंने एक सिस्टर की वीडियो देखी वीडियो देखी उन्होंने वॉइस चलाई बकायदा किसी की और उसमें जो है सितारा यासीन के वालिद को आ, बहुत बुरा भला कहा जा रहा था उनकी वालदा को भी बहुत बुरा भला कहा जा रहा था जो कि बंदा इस दुनिया में भी नहीं है उसको आ, इतना बहुत गंदा वाला ट्रोल किया जा रहा था पता नहीं अभी हिस आंटी कौन है आ, हमने हमेशा हटरों के ही पैनल पे उनको देखा है जो कि इस टाइम सितारा की सिस्टर जो हैं उनके सपोर्टर कहे जाते हैं माने जाते हैं बुलाए जाते हैं तो आ, मुझे बड़ा दुख हुआ यार ये कौन लोग हैं आपको ये तो नज़र आ रहा होता है कि नौशीन ने रिएक्शन दिया उसमें उसमें मेरी तरीफों के पुल बांधने चाहिए थे हैं मरियम ने रिएक्शन दिया उसमें भी पुल बांधने चाहिए थे तो आपको वो चीज़ें क्यों नहीं नजर आती जिसमें आपके वालिद आपकी वालदा को बुरा भला कहा जाता है आप पूरा वाइट ही घूमते हैं आप उनकी जबाने क्यों नहीं बंद करवाते आप यहां पे तो हरासमेंट करवाते हैं बुलिंग करवाते हैं गंदी गालियां हमारे करेक्टर असैसिनेशन करवाते हैं जानी के करेक्टर टैग लगवाते हैं बुरा भला कहते हैं हमें लेकिन आप उनकी जबान क्यों नहीं बंद कर रहे जो आपका दुनिया में ही नहीं है वालिद उसके बारे में इस तरह के अल्फाज बोले जाए वो है? क्या आप उनके सामने इतनी कमजोर हैं क्या आपकी कोई कमजोरी है उनके हाथ में कि आप उन्हें रोक नहीं सकती क्या आपकी वालदा आपकी इतनी बड़ी दुश्मन है अगर वो इतनी बड़ी दुश्मन है अगर कोई बात सच्ची थी तो आप फिर अपने हस्बैंड को क्यों साथ लेके बैठी है आपको वालदा गलत वाल्द नजर आ रही है आपको फिर वह बंदा क्यों नहीं गलत नजर आ रहा जो आपके साथ है मैंने ये नहीं कह रही कि अल्लाह माफ करे कि इनका घर खराब हो नहीं अल्लाह तला इन लोगों का साया इनके बच्चों पर सलामत रखे यार लेकिन लेकिन एक हद होती है एक तहजीब होती है एक तमीज होती है उसका दायरा पार नहीं करना चाहिए ना ही करने देने चाहिए हजार इख्तलाफ ही सही लेकिन, लेकिन आप क्यों किसी को इजाजत देते हैं जिन्होंने आपको पैदा किया जिन्होंने आपको एक एक छोटे से बच्चे को बड़ा किया पढ़ाया लिखाया आप लोगों के लिए उन्होंने प्रदेश काटे ताकि बच्चों का मुस्तबिल अच्छा हो उनको जहेज दे सकूँ उनको घर अच्छे वाला दे सकूँ और उस बंदे की तजलील हो रही है वो आपकी सपोर्टर्स कर रहे हैं आपकी वालदा को बिल्लो रानी चुम्मा आंटी दिन रात आ, आप आपको नफरत सिर्फ सितारा से है ना या पूरे ही खानदान से और अपनी वालदा और वालद से भी नफरत है अगर वालद से भी नफरत है तो फिर आप यासीन हटा दें अपने नाम से क्योंकि आपने कभी भी नहीं सुना होगा सितारा को जो लोग सपोर्ट करते थे उन्होंने आज तक किसी की मां पे बात की हो या बाप पे बात की हो कभी भी नहीं की कभी भी नहीं की मां तो मां होती है वो तेरी हो या मेरी हो लेकिन ये औरतें कौन है आप इन लोगों को क्यों इजाजत दे रहे हैं अच्छा जी यहां पे मुझे फिर वो पिक्चर भेजी गई कोई चुम्मी चाटी हो रही थी छोटी बेबो की तरफ से मैं कहा भाई आ देखो ये तो वैसे ही मुद्दा चांदेने हैं कोई गल बस मुंह मुँह निकले तो फिर करैक्टर असैसिनेशन जो कि मैं डरती नहीं हूँ या अपना ही मुंह गंदा खराब करते हैं लोग लेकिन मैंने अवॉइड कर दिया लेकिन वाकई हम मुसलमान लोग हैं हम मुसलमान हैं हम मुसलमान कंट्री में रहते हैं हाँ अगर आप फिल्म स्टार हैं आपका एक चैनल जो है वो उस लिहाज से इंटरटेनमेंट के लिहाज से है, तो फिर आप करें ठीक है कुल के करें वैसे ही हो रहा है पाकिस्तान में लेकिन आप एक व्लॉग व्लागर हैं फैमिली व्लागर हैं तो उसमें हर किस्म की फैमिली आपको देख रही होती है उसमें बच्चियाँ भी देख रही होती हैं और सारी बच्चियाँ इतना एडवांस नहीं होती तो खुदा रहा थोड़ा सा कंट्रोल करें ठीक है जवानी चढ़ी है लेकिन थोड़ा सा तो कंट्रोल करो एक हो सकता है उसमें आपके बाबा जान भी आपको देख रहे हो क्या आप अपने बाबा के साथ इस तरह से मतलब उनके सामने बैठ के इस तरह से आप कोई वीडियो बनवाएंगे कभी भी, भी नहीं तो इसलिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक होना चाहिए चाटना चूटना आ, मतलब अच्छा नहीं है मुनासिब नहीं है कि इस तरह की कोई हरकत हो रही हो चले जी आ, बस मुझे ये बात दुखी दुख लगी मैं मुझे बहुत तकलीफ हुई ये वाला जो मैंने देखा मुझे बहुत अफसरदा मेरे लिए था आ, बहुत ही ज़्यादा अफसरदा था एक बंदी जो है मुसलसल इनकी वालदा इनकी बहन और इनकी वालिद को जो है बुरा भला कहते हैं गालियाँ देते हैं पिछले दिनों जो है एक और हेटर भी इनके ही घर के मुद्दे लेके बैठी थी इनके पूरे ख़ानदान को नंगा किया है पता नहीं कि प्राउड फील करते हैं मुझे समझ नहीं आ रही मुझे नहीं समझ आ रही आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इनकी घरों की बातें आज मैं आपको बताती हूँ इसके इतने हैं उसके इतने हैं तो मतलब अस्त आ क्या कह सकते हैं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कह सकते इजहार अफसोस ही कर सकते हैं अच्छा जी मैं अभी जो है बात करूँगी एक आ, स्टोरी पे और एक स्टोरी ये है कि एक गरीब घर की लड़की एक अमीर फैमिली में उनकी जनाब शादी हो जाती है और हाँ अक्सर होता है जब एक गरीब घर की लड़की जो है अमीर घर में जाती है तो वो अमीर फैमिली कहती है कि हमें जहेज ना दिया जाए अच्छा जी जहेज़ के नाम पे लोग कह रहे थे आप दहेज बोले दहेज वो आपकी लैंग्वेज में बोला जाता है हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है जहेज जाहेज जहेज. ठीक है तो दहेज भी कह सकते हैं जहेज भी कह सकते हैं तो हमारे यहाँ जहेज कहते हैं जहेज दहेज कम लोग कहते होंगे शायद लेकिन आ, मेरे ख्याल में इंडियन हमारी जो बहन है वो दहेज कहते हैं तो ये भी मैं बता दूँ अच्छा जी वहाँ पे जो है उस लड़की आ, को वालदे की तरफ से जो है इतना पैसा या इतना सोना ना दिया गया तो जब उसकी शादी होके जाती है तो उसकी देवरानियाँ जिठानियाँ जो हैं उसको उसके सामने बैठ के गरूर कर रही होती है और कह रही होती हैं कि देखो मेरे हाथ में जो कंगन है ना ये मेरे अब्बू ने दिए हैं ये वाले जो हैं ये मेरे मामू ने दिए हैं अंगूठियाँ जो हैं चाचू ने दी हैं ससुराल वाला तो अभी सोना मैंने पहना ही नहीं है ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बातें कर रही थी दूसरी भी यही कहने लगी ये चाचू ने दिए हैं कड़े ये अब्बू ने पहनाए हैं ये पुप्फी ने ये खाला ने इस तरह से मुझे सोना दिया है लेकिन लेकिन अभी तो ससुराल का जो सोना है वो तो मैंने अभी पहना ही नहीं है देखा ही नहीं है मतलब अभी यही पहने हुए हैं तो उसके दिल में हसरत हुई खैर शादी के दूसरे तीसरे दिन जब उसे जाना हुआ अपने वालिद के घर और वहाँ पे गई और कहा अबू आपने मुझे इतने अमीर लोगों में शादी कर दी है वहाँ पे मेरी देवरानियाँ जिठानिया ऐसे ऐसे कह रही थी मुझे अजीब सा फील हो रहा था दुख भी हो रहा था कि मैं गरीब घर से हूँ और ये जो है कह रही है कि हमें जो है सोना आ, मैके से हमें इतना मिला इतना मिला इतना तो उनके वाले ने बड़ी समझदारी की बात की उन्होंने कहा ससुराल दहेज से नहीं चलाए जाते आपकी जुबान में कह देते हैं ससुराल या अपना घर दहेज से नहीं चलाया जाता अपने गुण से चलाया जाता है अपने अमल अपने अच्छे इखलाक से चलाए जाते हैं लड़की ने कहा चलो ठीक है अब आप तो आपने कर दी है मेरी शादी देखते हैं आगे क्या करें करना पड़ेगा काफ़ी वो परेशान हुई और जाहिर सी बात है हर लड़की जवानी में यही चाहती है कि मैं उससे ज़्यादा अच्छी लगूँ मेरी तारीफ हो मेरी ससुराल में बल्ले बल्ले हो कुछ ऐसा से कम तरीका शिकार हो जाती हैं बच्चियाँ और वो कहती हैं यार वो अमीर हैं उनकी ज़्यादा बल्ले 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 हो दही बल्ले हो गोलगप्पे हो कुछ भी हो लेकिन तारीफ भी हो साथ <laughs> मेरी ज़रा मुझे जो है ज़रा कम वैल्यू दी जा रही है तो इससे बेहतर है अब मैं क्या करूँ ज़्यादातर लड़कियाँ कन्फ्यूज हो जाती हैं तो जी जरा वो लड़की जो है चली गई अपने ससुराल में और उसके बाद जो है ससुराल में जाके अपने ससुर के पास गई और कहा अब्बा जान काम वाली आती है मैंने कल देखा वो पत्नी नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती हाथ धोती है नहीं धोती पत्नी किस तरह की वो सफाई सुथराई में वो किस तरह से है तो मुझे इजाजत दे मैं खुद लस्सी बनाऊंगी तो उन्होंने कहा बेटा आपका घर है आपका घर है संभालें आपको अगर मतलब अच्छा लगता है तो ठीक है हैरान भी हुए कि बड़ी बहुए तो ऐसा नहीं कभी कहा ये बच्ची जो है आ, ये कह रही है कि मैं हिस्सा लेना चाहती हूँ काम में तो उन्होंने इजाज़त दे दी अच्छा जी जब वो लस्सी बना रही थी तो उसी दौरान जो है काम वाली उनकी जो है हेल्पर वो आ जाती हैं और वो कहती हैं बाजी आ, मैं तो टाइम से आ गई हूँ आपने मतलब काम शुरू कर दिया मैं तो सही टाइम से आई हूँ तो उन्होंने ये नहीं कहा के नहीं नहीं ये मैं करूँगी ये है वो है कोई इस तरह का ताना नहीं दिया उन्होंने कहा नहीं मैं फ्री बैठी थी तो मैंने सोचा मैं भी मतलब कर दूँ काम तो कोई बात नहीं मैं ये कर रही हूँ तो आप कोई और काम कर लें तो वो भी खुश हो गई और हैरान भी हुई कि वो मेरी हेल्प हो रही है तो हेल्पर की भी खुशी की इम्तहान आ रही तो इस तरह से उन्होंने जो है काम जारी रखा दिल में ये नहीं लाया कि वो बहुएँ जो हैं उनका दर्जा अमीर घरानों से है तो मैं एक गरीब हूँ तो मैं अब क्या करूँ उन्होंने यही कोशिश जारी रखी कि अपना नाम बनाना है अपने मकाम बनाना है अपनी मेहनत करनी है जो कि उन्होंने मेहनत की और फिर एक दिन क्या हुआ डेरे पे खाना जाना था तो उन्होंने कहा अब्बा जान आ, मैं ज़रा खेत भी घूम आऊँगी तो आज जो है खाना मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी उन्होंने कहा जी बेटा बिस्मिल्लाह आप आए आप लेके आए खाना तो वो खाना भी लेके गई वापसी पे जो है गन्ने भी लेके आई तोड़ के और जब देवरानियाँ दर देवरानियों ने देखा जिठानियों ने उन्होंने कहा अरे ये क्या ये तो भाई काम हर काम में पार्टिसिपेट कर रही है ये तो फिर चौधरानी जी चौधरानी जी की बल्ले बल्ले शुरू हो गई जो घर के मुलाजमीन थे वो भी चौधरानी जी चौधरानी जी कहना शुरू हो गए मलका जी इस तरह से नाम लेना शुरू हो गए तारीफों के पुल बांधना शुरू हो गए वो जो है जरा अमीर ज़ादियों कभी लेटी हुई हैं कभी बैठी हुई हैं कभी कड़े संभाल रही हैं कभी मेकअप कर रही है तो बाद में उन्हें भी एहसास हुआ कि यार ये तो मतलब सबकी बल्ले बल्ले दही बल्ले समेट रही है हम क्या करें अब हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए हमें भी आगे रहना चाहिए और उन्होंने भी जो है गन्ने भी खाए और साथ में जो है ये भी सोचा कि भाई क्यों ना हम भी इसके साथ अब मिल जाए और अपने कारोबार को ज़मीनों को और मुलाजमीन के साथ मिलजुल के जो है काम समेटे जमीनों पे भी चक्कर लगाया करें हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ये भी बड़ी जिम्मेदारी होती है जिन्हें नहीं पता ज़मीनों का मैं आपको बताऊँ ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ज़मीन की फ़सल जाके देखना उस पर नज़र रखना कि भई ये पक रही है या कीड़ा नहीं लग रहा या इसको पानी मिलने वाला है आ, जैसे फ्रूट हो गए सब्जियां हो गई ये आपके ही मुताबिक बोई जाती हैं और निगरानी रखनी पड़ती है बड़ा ख्याल बच्चों की तरह ख्याल रखना पड़ता है और अपने हाथों से जा के तोड़ना बड़ा अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें बंदा जो है उसमें घुल मिल जाए और मजीद बरकतें होती हैं प्यार मोहब्बत में भी खैर फिर उनका घराना इतना शादो आबाद रहा देखें जी ज, जहेजों में तालीम भी जरूरी है ये नहीं, नहीं है कि नहीं है ज़रूरी लेकिन अकल भी बहुत बड़ी ज़रूरी है अ़ल भी बहुत बड़ी नेमत है जो कि इस्तेमाल करनी चाहिए अच्छे से इस्तेमाल करनी चाहिए कुछ बंदियाँ होती हैं घर उजाड़ देती हैं कुछ बच्चियाँ जो होती हैं घर और ख़ानदान सवार देती हैं तो ऐसे ही मिलजुल के रहना चाहिए बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं बहुत सारी मैं आपको क्या बताऊं कि मैं अब सवरे बैठू तो ऐसी ऐसी भी स्टोरी है कि पहले ही दिन पहले ही दिन दुल्हने मैंने ऐसी भी दुल्हन देखी है कि पहले ही दिन अभी मतलब रात को दुल्हन लेके आए और सुबह सेज बनी हुई है बेड पे ए लम्बे हो के ऐ फोन सुन रही है ए एक बाजू यहाँ पे है ऐसे करके फोन सुन रही है ये है शरीफ सादियों का हाल <laughs> ये है शरीफ साथियों का हाल ऐसे ऐसे यार यू भी होता है तो कोई लिहाज नहीं कोई शर्म नहीं कोई कुछ नहीं और उनके घरा घराने ऐसे के सब पर्देदार लोग बच्ची का ये हाल है और बच्ची लव मैरिज भी नहीं कि ये भी नहीं कि लव मैरिज हुई हुई है अरेंज मैरिज तो ऐसे भी लोग देखे हैं हमने सास को अम्मा नहीं करके बुलाना ओए तोये करके बुलाना है जाने जरा ये तो चीज लेके आए इस तरह भी होता है तो इसको क्या कहे तरबियत कहे क्या कहेंगे और फिर घर भी नहीं रहना ससुराल के मनमानी जगह रहो मतलब सास ससुर अगर है मेरा ख़्याल से तो उनके साथ एडजस्ट करना चाहिए या मैंने कभी कभी सास ससुर भी ऐसे देखे हैं जो ज़िद्दी होते हैं जो सिर्फ अपनी बच्चियों का सोचते हैं ऐसे भी लोग हम लोगों ने देखे हैं और कई लोग ऐसे देखे हैं कि जो अपनी बच्चियों को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे होते हैं और अपनी बहुओं को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे होते हैं बैलेंस बैलेंस करके खानदान को अगर चलाया जाए तो खानदान बड़े अच्छे चलते हैं जैसे कि अभी मुझे काफी सुनने पे आता है हमारी काफी सारी ऐसी बहनें आती हैं जो बताती हैं जैसे नितिका है वो भी बताती हैं जॉइंट फैमिली में है और भी हमारी एक दो सिस्टर आई थी वो भी बताती एक दफा रिहान आया था वो भी इंडिया से है उसने भी बताया उसने कहा हम कोई पच्चीस लोग घर में रहते हैं मैंने कहा आपके घर तो डेली लड़ाई होती होगी कहते क्यों लड़ाई होगी नहीं आपकी हमारे घर पर तो लड़ाई नहीं होती हम तो बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं हर हर अच्छे इवेंट को हर चीज़ को हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं तो यार मैं बड़ी हैरान होती हूँ क्या उनके जो बड़े होते हैं उनमें सोबत अच्छी होती है वो अच्छे सोबत के मालिक होते हैं मतलब प्यार मोहब्बत वाले होते हैं या जो वो उनके घर दुल्हने आई हैं अच्छे घरों से आई हैं वो भी उन्हीं में रच मिस गई हैं कि भाई हमें हम खुश हैं इस लाइफ से मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं एक नंद भी बर्दाश्त नहीं होती मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं एक सास को बहु बर्दाश्त नहीं होती तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं लेकिन लेकिन आजकल के जो हमारी बच्ची हैं वो नहीं काम कर सकती वो कभी भी नहीं काम कर सकती पता नहीं मोबाइल पता नहीं ये सोशल मीडिया पता नहीं फैशन हाँ, मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे मेरा फिगर खराब हो जाएगा भाई अब बच्चिया लड़कियां जो है बच्चे भी पैदा करते हुए डरती हैं मेरा फिगर खराब हो जाएगा मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं फिगर खराब हो जाएगा लेकिन लड़की बड़ी खुश नसीब होती है जिसके वालदेन होते हैं और जब वो खुद वालदेन बनती है मां बनती है बहुत खुश नसीबी का टाइम होता है जिनके औलाद नहीं है अल्लाह सबको औलाद से नवाजे ये बड़ा मीठा मेवा है और बेस्ट ऑफ लक हमें अपनी बच्चियों को जो है अच्छे से सिखाना पढ़ाना चाहिए बेटा आप प्राय घर में जाना है अच्छे से रहना है अपनी फैमिली समझना है आपको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा आपको कुछ आदत उनकी पसंद नहीं आनी उनका खाने पीने का थोड़ा सा स्टाइल जो है वो आपको शायद पसंद ना आए आपके मुताबिक का नहीं हो सकता तो लेकिन वो ये नहीं हो सकता आप अकेली के लिए वो बदल जाए सारे तो मेरे ख़्याल से जो फैमिली वाले होते हैं उनको भी थोड़ा सा बच्ची को जो है स्पेस देनी चाहिए उसके लिए भी थोड़ा सा थोड़ा सा रास्ता खोलना चाहिए कि भाई बेटे आप जैसा खाना चाहती हैं आप अपनी मर्जी से खाएं पिए जो दिल कर रहा है खाएं पिए लेकिन आ, कुछ मेरे ऐसे भी वाहियात ले, देखी है बंदियाँ <laughs> सॉरी मुझे ये बोलना पड़ रहा है लग कि यार वो कहती है मैंने खाना ही बाहर का है मैं आपको तो आरका नहीं खुवाते हैं अब का खाओ यस मैं मैं सॉरी हम घर खाना नहीं खाते और घर में चवी -चवी के घंटे पहले दी रोटी पी हुई खाते देखे मतलब अजीब मिजाज होते हैं ना ये मिजाज ही ले डूबते हैं इंसान को ये मिजाज ही ले डूबते हैं इंसान को तो इसलिए ना अपने मिजाज को ठंडा रखें हमेशा गर्म भी नहीं रखना चाहिए और हमने कल अच्छा सा टॉपिक एक रखा था कि रिश्तों को बचाने के लिए जो है अंधा गुंगा बहरा बनना पड़ता है तो काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा कि नहीं हमेशा ऐसा भी नहीं होना चाहिए आप रिश्तों को बचाने के लिए अंधे गुंगे बहरे बने रहें लेकिन हाँ कभी कभी जो है गुंगे बन जाओ अंधे और बहरे ना बनो देखो सब कुछ सुनो भी सब कुछ चुप रहो देखते जाओ देखते जाओ फिर टाइम आने पे उठ खड़े हो और बोलो हमेशा यूं नहीं होता कि आप जूतियां ही खाते रहे खाते रहे खाते रहे खाते रहे कमर ही सुजा दे तुड़वा दे नहीं अपने हक के लिए बोलना चाहिए माई जान की टोटी छोटी छोटीज आइंड मोटीज़ आपको मेरी जो वीडियो है कॉमेडी अच्छी लगी थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया जान की टोटियो और थैंक यू सो मच यार आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं मेरा डेली ब्लॉग देखने के लिए मेरे दूसरे चैनल पे प्लीज़ विज़िट करें नौशीन मुल्तानी व्लॉग उसमें मेरी डेली व्लॉगिंग होती है मैं डेली व्लॉग भी डालती हूँ और सादे से सिंपल से देसी माहौल के बंदे हैं हम हम कोई अमीर लोग नहीं हैं हम सादे से लोग हैं लेकिन सादी लाइफ में खुशियाँ बेानतहा है अल्हम्दुलिल्लाह लब सबको दे हैप्पी हैं है, लेकिन आ, इसके लिए भी बड़े पापड़ मिलने पड़ते हैं माय जानी पापड़ समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप दुकान से जाएं सादे पापड़ लें घर में आए घी में तले और खा लें ये होता है पापड़ तो जिनको समझ आ गया है, वो तो ठीक है जिनको नहीं आया उसको मैं कैसे समझाऊँ <laughs> तो भाई बर्दाश्त करना पड़ता है मां सद जाए बर्दाश्त कर 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 के फिर आप जो हैं क्या कहते हैं सुच्चे मोती बन जाते हैं सुच्चे मोती बनते हैं आप तो बर्दाश्त भी जरूरी है माय डार्लिंग यस ऑफ कोर्स बर्दाश्त करना भी सीखे तो बड़ों का अदब करना सीखे और खुदारा जो इस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं खुदारा खुदारा आपके भी वालदे होंगे अगर आपके वालदेन को ऐसे ट्रोल करे कोई या आपको इस तरह के बुरा अ, अल्फाजों से बोले यहां पे हजारों यूट्यूब चैनल पड़े हैं सैकड़ों पड़े हैं ये हेटर सपोर्टर मिलके तुम्हें तुन के रख देंगे संभाल के रखो और बड़ों पे बात करना बंद कर दो शटअप कॉल है ये तुम्हारे लिए तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें खुश रहें आबाद रहें सलामत रहें वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है बदतमीज़ो ओके हाफिज़